ये गैस के लिए आती है, एसिडिटी के लिए आती है, शुगर के लिए आती है, थायराइड के लिए आती है, पथरी के लिए आती है, समझ पड़ते बेटा, कमर के दर्द के लिए आती है। अदाब, आप देख रहे हैं आवाज वही सुर में, हूँ आपके साथ यास्मीन खान और अभी मैं हूँ जो वो कश्मीर हेरिटेज आर्ट्स एम्पोरियम में और यहाँ पे कश्मीर का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होने जा रहा है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के जरिए यहाँ पे एक आईटी कॉन्क्लेव होने जा रहा है जिसमें जो स्टार्टअप बिजनेस आइडियाज है जम्मू कश्मीर के अंदर उनको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट बिजनेस फील्ड से काफी बिजनेस टाइकोन को बुलाया गया है जो अपने एक्सपर्टीज यहाँ पे शेयर करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो मेन अट्रैक्शन है इस इवेंट की वो है यहाँ के स्टॉल्स, क्योंकि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो ये इवेंट कराया गया है मुल्क भर से डिफरेंट लोगों को यहाँ पे बुलाया गया है जिनने अपने स्टार्टअप्स शुरू किए हैं और अब उनको अपने स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे बुलाया गया है और उसके थ्रू वो लोगों से मिलेंगे और अपने स्टार्टअप का जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरे बिजनेस ऑनर्स से शेयर करेंगे और यहाँ के जो लोकल बिजनेस रिलेटेड लोग हैं उनको भी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि किस तरह से वो अपने बिजनेस को यहाँ प्रमोट करेंगे। अब जिस तरह मुल्क भर की मैंने बात की तो हरियाणा से काफी लोग यहाँ पे आए हैं, पंजाब से आए हैं, इवन लद्दाख वगैरह से भी आए हैं ताकि लोग जो है बिजनेस कम्युनिटी जो है वो एक साथ आए और जो उनके बेसिक इशूज होते हैं, क्वेश्चन होते हैं स्टार्टअप को लेके कि किस तरह से बिजनेस में आगे बढ़ने चाहिए वो लोग, तो वो यहाँ पे सीनियर बिजनेस टाइकून के साथ डिस्कस किया जाएगा। साथ ही साथ ये जो इवेंट है इसमें टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है क्योंकि आईटी ड्रिवन आज सब कुछ है, तो किस तरह से वो टेक्नोलॉजी को यूज करके अपने इवेंट को बढ़ावा दे सकते हैं वो भी इस इवेंट में बताया जाएगा। क्या कुछ होगा फर्दर इस इवेंट में वो हम आपको इस वीडियो के जरिए दिखाएंगे। अब ये वाला जो स्टॉल है बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल्स काउंसिल ऑफ इंडिया। अब जम्मू कश्मीर में अगर बच्चों की बात करें और एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ये वाला जो स्टॉल है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारे साथ एक सर है, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलीम अहमद है जी, आई एम द सीनियर वाइस प्रेसिडेंट विद द काउंसिल। ओके, आई ऑपरेट आउट ऑफ दिल्ली और हम लोग यहाँ कश्मीर में आए क्योंकि हम लोग अक्रॉस द कंट्री यूथ के लिए काम करते हैं और कश्मीर में भी हम स्किल जो स्कीम्स हैं उनको मैटर करते हैं और यहाँ पर हमारे पास नियरली हर जिले में हमारे सेक्टर्स हैं और हम लोग यहाँ के यूथ को स्किल देकर उनको एम्प्लॉयबिलिटी whether wage employment with the industry and self employment के लिए support करते हैं। जी, अभी तक अगर मैं पूछूं कि कश्मीर को लेके मतलब कैसा रोल रहा है, क्या लगता है कि कितने बच्चों को अभी तक एम्प्लॉयमेंट मिला है और पार्टिसिपेशन कैसा लगता है आपको यहाँ से वैली के बच्चों का? देखिए, यहाँ का पार्टिसिपेशन बच्चों का बहुत अच्छा है क्योंकि कश्मीर के जो बच्चे हैं वो नॉर्मली बहुत टैलेंटेड होते हैं और स्पेशली स्किल्स में, क्योंकि कश्मीर की तो लेगेसी रही है स्किल्स की और तो खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हमारा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बच्चे बहुत कमिटेड होते हैं और हमने 25,000 बच्चों को अभी तक अलग अलग स्कीम्स में जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, उड़ान और लोकल स्कीम्स में हम लोगों ने ट्रेन किया है और बच्चों का बहुत ही अच्छा कमिटमेंट रहा है और ओवर 70% एम्प्लॉयमेंट हम लोगों ने उनको दिलाई है वेरियस इंडस्ट्रीज में और जो बच्चे वेज एम्प्लॉयमेंट नहीं करना चाहते उनको हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर सपोर्ट करते हैं। कुछ हमारे जॉब रोल्स हैं जैसे मोबाइल हैंडसेट रिपेयर टेक्नीशियन, इसमें बच्चे अपना ही काम शुरू कर सकते हैं। जी जी, तो अभी आज लेटेस्ट यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने जा रहे हैं? देखिए, हमने 25,000 बच्चों को ऑलरेडी से कहा कि हमने ट्रेन किया है तो हमारा पर्पज़ था कि हम काउंसिल को यहाँ लेकर आएँ और जो लोग अवेयर नहीं हैं, जो बहुत सारा यूथ है कश्मीर का अवेयर नहीं, उनको अवेयर कराएँ अपने कोर्सेज के बारे में, अपने क्वालिफिकेशन के बारे में, स्किल इंडिया के बारे में और उन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जो बच्चे स्किल लेने के बाद अपनी लाइवलीहुड कमा सकते हैं और एक अच्छा मौका है एम्प्लॉयबिलिटी के लिए जो हर एक मेजर इशू जम्मू कश्मीर में बेसिकली है। आई विल ऑफर दिस इमली टू टेस्ट, बहुत ही अच्छी है खाने में, बट लेट्स सी कि इन्होंने इस पे बिजनेस किस तरह से स्टार्ट किया। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम कविता सिंह है। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ जी और हिंद एग्रो सेल्स हमारा ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जी एंड वी आर हियर टू प्रमोट द स्नो पीक ब्रांड। हमारा ब्रांड नेम है स्नो पीक। तो बेसिकली जैसे इमली है सबको पसंद होती है, बच्चों से लेके बड़ों तक सब पसंद करते हैं, तो मतलब ये कैसे जहन में आया कि इस पे हम एक बिजनेस खड़ा कर सकते हैं क्योंकि आपका ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा चल रहा है?
वो इसलिए कि उनकी नॉर्मली मार्केट में आपको ना फ्लेवर्ड इमली मिलती है एंड वी हैव ट्राइड अवर लेवल बेस्ट कि हम सारे ऑल एज ग्रुप्स को केटर कर सके और सभी को पसंद है, इसलिए हमने इसमें गूदे का इस्तेमाल किया, इमली के गूदे का पल्प का इस्तेमाल किया है और इसमें थोड़ा सा अदरक भी डाला है टू गिव दैट टैंजी टेस्ट एंड काली मिर्च एंड ऑल जस्ट टू मेक इट चटपटा सॉर्ट ऑफ थिंग। जैसा कि मैंने कहा कि मुल्क भर से यहाँ पे लोग आए हैं जिन्होंने अपने स्टॉल्स लगाए हैं यहाँ पे। अभी एक शख्स हमारे साथ है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विकास। विकास, और आप कहाँ से आए हैं? मैं अरुणाचल प्रदेश। और थोड़ा बहुत अपनी स्टॉल के बारे में बताएं कि ये जो आप बेच रहे हैं आइटम्स यहाँ पे क्या स्पेशलिटी है इनकी? ये जो पूरा हैंडमेड है, तो ये जो हम लोग इसको बोलता है तादो बोलते हैं, जो हम लोग का ट्राइबल भाषा लैंग्वेज होते है ना, तो तादो बोलते हैं। तो ये ग्लास बीट से बनाया हुआ, ये हम लोग खुद से डिजाइन करके बनाया गया है। ओके, तो अगर मैं पूछूं कि ये मोस्टली कौन बनाते हैं, ट्राइबल वुमेन बनाती हैं या मर्द लोग बनाते हैं? अभी अभी तो वुमेन मेन बोल के नहीं, अभी तो सब लोग बनाता है, मेन भी बनाता है वुमेन भी बनाता है। हम लोग का आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट भी है, मैं भी बनाता हूँ फिलहाल। तो मैं अभी जस्ट वो कर रहा हूँ, मेरा प्रैक्टिस कर रहा है इसका। वो जो मेरा ब्रदर है वो जो सिखाता है यहाँ पे, आप देख सकते हैं उनको अवार्ड मिला है, तो वही अभी हम लोग को सिखा रहा, मैं भी सीख रहा हूँ फिलहाल तो। अच्छा, तो कैसा जा रहा है, क्या लगता है अभी जिस तरह से यहाँ पे ये इवेंट्स हो रहे हैं प्रमोशन के लिए, क्या लगता है इससे कितना फायदा पहुँचता है एक बिजनेसमैन को? फायदा ठीक है, अच्छा अच्छा है, हम लोग को हम लोग का सामान को प्रमोट करने के लिए मिलता है, उसके बाद में सेलिंग करने के लिए मिलता है, तो ठीक है, अच्छा है। चलिए, थैंक यू बात करने के लिए। एक लेडी एंटरप्रेन्योर हमारे साथ है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अर्चना दले। जी, कहाँ से आप? असम से आए। ओके, अभी जो ये आपने स्टॉल लगाया है क्लोथिंग वगैरह यहाँ पे, तो थोड़ा बताइए असम में ट्रेडिशन कैसा है, किस तरह के कपड़े पहनते हैं और इस फैब्रिक को क्या बोलते हैं? ये हमारा हैंडलूम का ट्रेडिशनल है असम से। जी, तो अभी आप जिस तरह से आप ये प्रोडक्ट्स को यहाँ पे करते हैं, तो ये हमारा असम का प्रोडक्शन है, ये बलागेरो है, ये स्टॉल है, ये भी स्टॉल है, ये मेखला चादर का है, ये भी स्टॉल है। जी, ये वास्कुट का, ये मावलर का, ये तो, मुगा का, ये मुगा, अच्छा, ये तो, असम पट का। जी, वाला असम पट है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो चीजें सारी यहाँ पे बनाई गई है ज्यादातर वहाँ पे कौन बनाते हैं? ये हमारा गुट है, गुट। अच्छा, हमारा हैंडलूम का गोट है। अच्छा, ये गोट के ऊन से बनता है? बनता है। अच्छा, हैंडमेड है ये सारा? हैंडमेड। ओके, इस पूरे इवेंट के बीच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्टॉल हमें देखने को मिला है, इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे इनके एक स्टॉपर है, सर क्या नाम है आपको, कहाँ से आए? हाँ जी मैडम, सत श्री अकाल, नमस्कार। अग्रभाव जी, मैडम ऐसा है, मैं लुधियाना से जसपाल सिंह हूँ, जो कि जुनेलिया हर्ब्स इंडिया से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हम बनाते हैं 100% नेचुरल। हमें तो सब बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, फर्स्ट टाइम लाइफ में हम यहाँ पे आए हैं और हमें इतना प्यार मिला, मतलब कश्मीर श्रीनगर के लोगों से हम आपको बता नहीं सकते, हमने सोचा नहीं था ऐसा, मगर हमें बहुत अच्छा हमें प्यार मिला। Nice. हम जम्मू एंड कश्मीर टीपीओ ने जो हमें रिस्पांस दिया, यहाँ हमें बुलाया, पीएचडी चैंबर के थ्रू हम आए हैं लुधियाना से। हम प्रभात जी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें यहाँ भेजा। जी, थोड़ा बहुत अपनी कंपनी के बारे में बताएं कि ये जो गुड्स है किस तरह से बनते हैं, कितने बेनिफिशियल है, क्या क्या चीजें यूज होती हैं? मैडम जैसे कि हमारे एक नाबी रूट्स ऑयल है, जो बेली ऑयल है, जो बेली के अंदर हमने 2 या 3 ड्रॉप्स डालने हैं इस, ये आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन के आपकी पूरी बॉडी को डिटॉक्स करेगा, बीपी को कंट्रोल करेगा, शुगर कंट्रोल करेगा, थायराइड की प्रॉब्लम नहीं आने देगा मैम, इवन कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों, इसमें ऐसा क्या है मैडम? इसके अंदर जैसे कोकोनट ऑयल है, ट्री टी ऑयल है, लेमन ग्रास ऑयल है, जायफल का तेल है, तिलों का तेल है, मतलब 100% आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन है ये। ग्रेट, और क्या क्या है आपके पास? और मैडम जैसे हमारे पास एक हेयर ऑयल है जी, जैसे कि हर्ब से तैयार किया गया है, इसमें भी कोई कलर नहीं, कोई केमिकल नहीं, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं, कोई परफ्यूम नहीं है। आपने अपनी दाढ़ी पे तो नहीं लगाई मैडम? बिल्कुल लगाई है, बिल्कुल हमने ये लगाई है, और ये 100% नेचुरल है। जैसे इसके अंदर ऐसा क्या है सर, जैसे आंवला, हरड़, बहेड़ा, जटामांछी, शिकाकाई, भ्रंगराज, नीम, तुलसी, चंदन जैसी ऐसी जड़ी बूटियां जो आपकी डैंड्रफ खत्म करेंगे विद इन फ्यू डेज, बाल लंबे करेगा, बाल झड़ने रोकेगा, इवन सिर दर्द या आदर्शन जिसे हम माइग्रेन बोलते हैं वो भी ये ठीक करते हैं, और 100% नेचुरल है। अभी ये जो आपके प्रोडक्ट्स है ये मोस्टली कौन बनाते हैं? मैडम ये जुनेलिया हर्ब्स इंडिया, मिसेस हरप्रीत कौर यहाँ के जो ओनर हैं,
और वो उन्होंने सारा स्टार्टअप किया है। ओके ग्रेट। लुधियाना से तो स्मॉल बिजनेस था, अभी उसको नेचुरली हाँ, अभी बहुत अच्छा हमें रिस्पांस मिल रहा है क्योंकि हमें दो क्योंकि हमें एग्जीबिशन लगा के ना कस्टमर के रिव्यू आ रहे हैं। अभी हम 20th को यहाँ पे आए थे, आप यकीन करेंगे कल हमसे रिपीट ऑर्डर लेके गए हैं सामान सारे, जैसे हमारा नापी रूट लेके गए, हेयर ऑयल लेके गए। थर्ड डे हमने बोला था थर्ड डे डैंड्रफ चला जाएगा और थर्ड डे डैंड्रफ गया 100% रिजल्ट्स है मैम। जैसे ही हमारे पास ऑर्थो ऑयल भी है, जैसे कोई भी मस्कुलर पेन हो उसको भी रिलीफ करता है। एलोवेरा जेल है, मॉइस्चराइजर है, मतलब बहुत अच्छे हमारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं सारे। एक स्टॉल यहाँ पे लगा है, आदिवासियों का स्टॉल है, कुछ जड़ी बूटी टाइप चीजें हैं, क्या है मुझे उसकी नॉलेज नहीं है, इनसे जानते हैं ये जो स्टॉल है क्या क्या बेच रहे हैं आप यहाँ पे? ये गैस के लिए आती है, एसिडिटी के लिए आती है, शुगर के लिए आती है, थायराइड के लिए आती है, पथरी के लिए आती है, समझ पड़ते बेटा, कमर के दर्द के लिए आती है, जोड़ों के लिए आती है, सिर के लिए आती है, सब जात की दवाइयाँ। तो ये बनाता कौन है? हम बनाते हैं, हम आदिवासी लोग हैं, हम लाते हैं जंगल से खोद के, हम खुद बनाते हैं। किसमें 12 वस्तु आती है, किसमें 15 वस्तु आती है, किसमें 24 वस्तु आती है बेटा जी, समझ पड़ते हैं ना बेटा जी। उसको बना के फिर हम बना के देते हैं। जब हम मार्केट में बेचते हैं तो लोगों का रिस्पांस कैसा रहता है, क्या फिर वो दोबारा आते हैं ना बेटा? अच्छा ही रहता है ना, वो जड़ से भिड़ जाती है, गोली तो पावर वाली होती है, समझ पड़ते, 200 पावर, 300 पावर, 150 पावर, 100 पावर वाली रहते, ये तो बिगर केमिकल की दवाई है, ये तो बच्चे को भी पिला सकते हैं, तंदुरुस्ती के लिए आप भी खा सकते हो, इसमें कोई आड़असर वाली वस्तु नहीं है, ये बिगर केमिकल की वस्तु है, समझ पड़ते है ना बेटा, खुद हम बनाते हैं, हम आदिवासी लोग। आई लाइक वन थिंग दैट यू नो वी हैव टू फाइंड लोकल सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स व्हिच एग्जिस्ट विद इन J&K। इन ESC आर कमिटेड टू हेल्पिंग यू। I welcome you all to the important event. हम काफ़ी समय से जम्मू कश्मीर के अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और स्पेशली कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ में हमारा MOU हुआ और उसके साथ में हम काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। JKTPO के साथ भी हमारा काफ़ी समय से एंगेजमेंट है अलग अलग तरीके पे, जहां हम यहाँ की इलेक्ट्रॉनिक्स IT कंपनीज को ग्लोबल आउटरीच के लिए लेके जाने का कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त जो यहाँ पे स्टेट पे न्यू सेंट्रल स्कीम है, सेक्टर स्कीम है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एंड इट हैज बीन रिएटरेटेड एन नंबर ऑफ टाइम्स फ्रॉम दीज प्लेटफॉर्म्स। जो ओनली हिच हुआ करती थी दैट वाज लॉ एंड ऑर्डर, नाउ वी हैव बीन स्पीकिंग अवर लंग्स आउट एंड डाटा ऑल्सो इज प्रूफ ऑफ दैट उस तरह का कोई भी जो अब एक हार्डशिप या हिकअप नहीं बनता है कि कोई यहाँ पे यूनिट एस्टेब्लिश करे।